नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफ़ी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी इट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन। And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, इज दैट क्लियर। और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसके जो इस ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेज हैं वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 08447022777, इज दैट क्लियर। एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं t/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा तो वो ये रहा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर रहेगा वो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन यानी जो वैदिक एज है उसका सेकंड पार्ट है। वैदिक एज में हमने क्या पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो वैदिक एज है दैट वाज क्लासिफाइड बिटवीन क्लासिफाइड इनटू टू एजेस, एक कहलाती है अर्ली वैदिक एज और दूसरी कहलाती है लेटर वैदिक एज, राइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट सोर्सेस के बारे में जिसके माध्यम से हमें वैदिक एज के बारे में पता चलता है, लिटरेरी सोर्सेस। उस टाइम पे वैदिक एज के टाइम पे ओरल ट्रेडिशन था, मतलब लोग बाग बोल के जो उनकी नॉलेज है जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते थे। तो जिसमें हम लोगों ने बात की थी वेदास की, फिर ब्रह्मणास की, उपनिषद्स की, अरण्यक्यास की, राइट, फिर धर्म सूत्रास, और एट लास्ट आते आते तक हम लोगों ने बात कर ली थी आपके महाभारत और रामायण के बारे में, राइट। आज का ये जो लेक्चर रहेगा दैट इज कॉल्ड अर्ली वैदिक एज और जिसको हम लोग ऋग वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम जिसके टाइमलाइन की बात करें तो ये एक्सटेंड होता है आपका कुछ 1500 BC से लेके 1000 BC, रफ टाइम एस्टिमेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके अगर हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो ये आपका लगभग जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इंडिया का, जो आज के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो कश्मीर के ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सारा एरिया में आपका ऋग वैदिक आर्यंस का जो एक्सटेंट था जहाँ पे वो बसे हुए थे वो उस वाले एरिया में बसे हुए थे। तो आज हम बात करेंगे सोशल लाइफ की, इकोनॉमिक लाइफ की, पॉलिटिकल लाइफ की, ऋग वैदिक आर्यंस का कैसा था, रिलीजन की, और साथ ही साथ पैरेलली हम लोग लेटर वैदिक आर्यंस यानी एज के बारे में भी देखते जाएंगे कि भैया अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में किन किन क्या क्या चीज़ें बदलती गई, राइट। तो जैसे कि ऋग वैदिक जो सोसाइटी थी वो कैसी सोसाइटी है भैया, एक ट्राइबल सोसाइटी है।
ट्राइबल सोसाइटी मतलब जो लोग वहाँ के वो ट्राइब्स के फॉर्म्स में रहते थे, और उनकी जो लाइफ है वो सेमी नोमैडिक लाइफ है। सेमी नोमैडिक मतलब ना ही आप उसे सेटल्ड लाइफ कह सकते हो कि एक जगह पे रुक के वो लोग रह रहे हो, और ना ही कंप्लीटली ऐसी थी कि सिर्फ वो घूम घूम के अपना बसेरा कर रहे हो, मतलब कहीं पे रुकते थे किसी टाइम पे और फिर उसके बाद मूव कर जाते थे। आर्यन जो जो आर्यन ट्राइब्स थी उनको बोला जाता था उस टाइम पे जनास, क्या बोलते थे जनास। तो और हाँ एक बात और बता दूं, इस लेक्चर में आगे बढ़े देखिए दो चीजों पे आप स्पेशल ध्यान रखना। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आ जाता है भैया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजन ऑफ अली बेदेकेज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ अली बेदेकेज, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको दो तीन पॉइंट अपने दिमाग में रख लेने हैं। और अगर हम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो प्रिलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई पर्टिकुलर टर्म दे देंगे एंड दिस टर्म रिफर्स टू, जैसे ऐसे आ जाएगा जनास रिफर्स टू, तो जना का मतलब क्या होता है आर्यन ट्राइब्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में रखते जाना। अब जैसे कि पता है हर एक ट्राइब का एक चीफ होता है, एक राजा टाइप का होता है कोई, ठीक है ना, सरदार होता है, तो उसको उस टाइम पे बोलते थे राजन। क्या बोलते थे चीफ को? राजन बोलते थे, ठीक है। चीफ चीफ जो है मतलब चीफ को हिंदी में टर्म बोला जाता है राजन, जिसको जो उस टाइम पे होता था, उस टाइम में जो आर्यन ट्राइब्स थी तो उसको बोला जाता था गोपति, गोपति या फिर गोपा। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ काउज, गो गौ जो हम लोग बोलते नहीं है हिंदी में गौ, तो ये इस वाले टर्म का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ काउज। और जो चीफ क्वीन होती थी मतलब जो सरदार की एक तरीके से बीबी कह लो या जो महारानी होती थी उसको बोलते थे महिषी, महिषी। ये टर्म्स याद करते जाइए, जन याद हो गया हमें, गोपति या गोपा याद हो गया, महिषी याद हो गया। उसके अलावा जो जन्स होते थे यानी जो आर्यन ट्राइब्स होती थी उनकी लड़ाई होती रहती थी किनके साथ, जो एनिमीज हैं उनको बोला जाता था पन्नीस, पन्नीस। ये पन्नीस क्या करते थे, जो आर्यन ट्राइब्स हैं उनकी जो कैटल होती थी मतलब जो उनकी गाय बछड़े और बकरी वगैरह होती थी तो उनको छुपा देते थे किसी फॉरेस्ट वगैरह में, और इसीलिए आर्यन इनको अपना दुश्मन मानते थे, और अपनी जो कैटल्स हैं उनको वापस पाने के लिए उनसे वो कॉन्फ्लिक्ट में भी आते थे। और उस टाइम पे वो एक भगवान, एक वैदिक गॉड को इन्वोक करते थे, आहवाहन जिसको बोलते हैं ना, आहवाहन करना, तो इंदिरा का वो आहवाहन करते थे, ठीक है। काफ़ी जो पन्नीज हैं और जो जनाज हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, बैटल्स होते थे, उन बैटल्स को भी एक नाम दिया गया है, उस नाम को याद रखना, इस नाम को बोलते हैं गवस्थी या गवशेना, गवेशना या गोसू या गव्यात, ठीक है। तो प्लीज इन टर्म्स को याद रखना, पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो वैदिक टाइम में गवस्थी टर्म था दैट स्टैंड्स फॉर, इट इज द बैटल बिटवीन जनास एंड पन्नीस या गवेशना, गोसू या गव्यात। अगर हम उस टाइम के जो आर्यन सोसाइटी थी उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो समवॉट मोनार्कियल ही था, मोनार्की मतलब एक राजा हुआ करता था, सो दैट इज कॉल्ड मोनार्की। रिपब्लिकन कब बोलते हैं हम लोग? जब वो इलेक्टेड हेड होता है, लेकिन मोनार्की क्या है? जब कोई एक राजा होता था। लेकिन अब जैसे हमने देखा चीफ को हम लोग गोपती बोल रहे हैं, लेकिन जो गोपती का ऑफिस होता था वो हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आप राजा बन गए तो आपका बेटा अपने आप ऑटोमेटिकली राजा बन जाएगा, हेरिडिटी नहीं था। क्या करते थे कि जो उस टाइम पे समुदाय होता था, पूरा क्लैन होता था, उसमें से कि जो भी एवल मैन होता था उसको चुन के गोपती बनाया जाता था। उसके अलावा दूसरी अगर उस टाइम की सोसाइटी की बात करें तो हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखा कि भैया उस टाइम पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, गोपती नाम का कोई किंग रहता था जो कि हेरिडिटरी नहीं था। उसके अलावा अगर हम बात करें सोसाइटी के अरेंजमेंट की तो वहां पे सोसाइटी जो है वो कास्ट लाइंस पे डिवाइडेड नहीं थी कि भैया ये क्षत्रिय है ये ब्राह्मण है, ऐसा डिवीजन नहीं था। लोग वक्त प्रेजेंट थे मतलब जैसे राजन था, पुरोहित था, आर्टिसंस थे, तो कास्ट लाइन पे भले डिवीजन नहीं था लेकिन ऑक्यूपेशन बेसिस पे लोग बागों को आप क्लासिफाई कर सकते थे, ठीक है। और जो ऑक्यूपेशन होता था वो आपके जन्म से डिसाइड नहीं होता था, जैसे आज के टाइम पे जो वर्ना सिस्टम जो खराब हो गया है, जो हम देखेंगे लेटर वेदिक एज में जब हम आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपका वर्ना है, जैसे अगर आप शूद्र हो या जैसे अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका बेटा भी क्षत्रिय ही कहलाएगा, तो ये इस टाइप का नहीं था। ऑक्यूपेशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन दी बर्थ। लेटर वेदिक एज में ये चीज चेंज हो जाएगी। लेटर वेदिक एज में एक और चीज चेंज हो जाएगी कि जो क्या कहते हैं कास्ट है वो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाएगी, वर्ना सिस्टम बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। उस टाइम पे इस चीज के बारे में हमें ऐसे पता चलता है कि मान लो एक अगर फैमिली है
उसके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके लिए ऋग्वेदा में एक लाइन लिखी हुई है, आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर ग्राइंड्स ग्रेन अपॉन दी स्टोन, स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ विद वेरीड प्लांट्स, वी फॉलो आर डिजायर्स लाइक कैटल। तो मतलब अपनी अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जो वर्ना सिस्टम है दैट वॉज नॉट दैट स्ट्रिंजेंट, दैट वॉज नॉट दैट स्ट्रांग, ठीक है। उसके अलावा तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ डिफरेंसेस थे, भले ही वर्ना सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो ना हो, तो वर्ना और दी कलर वॉज दी बेसिस ऑफ इनिशियल डिफरेंसिएशन बिटवीन दी वेदिक एंड नॉन वेदिक पीपल। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि जो वर्ना सिस्टम आया सोसाइटी में, वर्ना सिस्टम नहीं था, लेकिन वर्ना सिस्टम के बेसिस पे जो वैदिक आर्यंस हैं और जो यहाँ उस टाइम पे लोकलाइट्स हुआ करते थे, मतलब जो इंडिजिनस पीपल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनके बीच में डिफरेंसिएशन के लिए इट वॉज सफिशियंट, बट अमंग दी आर्यंस इट वॉज नॉट दैट प्रीडोमिनेंट। वैदिक दो, ठीक है, एक तो वर्ना सिस्टम हो गया इनिशियल क्लासिफिकेशन की जो आर्यंस है और नॉन आर्यंस है, दूसरा जो वैदिक पीपल हुआ करते थे वो फेयर हुआ करते थे, जबकि नॉन वैदिक पीपल कैसे हुआ करते थे, डार्क। जैसे अगर आप अगर इसको समझना चाहें तो इट्स लाइक कि जो नॉर्थ इंडियन है वो कंपैरेटिवली फेयर है कॉम्प्लेक्शन में, वेर एज साउथ इंडियंस आर डार्क। तो प्लीज ये एक एनालॉजी है समझाने के लिए, अदरवाइज प्लीज मतलब उसका कोई इश्यू क्रिएट मत करना। उसके अलावा स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज और लैंग्वेज भी वो लोग अलग अलग बोलते थे। तो यानी यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो भैया जो जो उस टाइम पे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो आर्यंस हैं दे आर दी किन्समैन, मतलब राजा रजवाड़ों की फैमिली के आए हुए माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स थे, तो ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो उनके बीच में और जो यहाँ पे इंडिजिनस लोग थे उनके बीच में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, एक तो वर्ना सिस्टम के बेसिस पे, एक उनके जो वो दिखते कैसे हैं उस बेसिस पे, और क्या लैंग्वेज बोलते हैं उसके बेसिस पे। जो ऋग्वेदास के ऑथर हैं जिनको हम लोग आर्यन समझते हैं, वो अपने आप को दूसरे क्लास जो इंडिजिनस क्लास है उससे डिफ्रेंशिएट करते थे, और उनको जो इंडिजिनस क्लास थी उनको बोलते थे दस्यूज या दास। क्या बोलते थे? या तो दस्यू बोलते थे या फिर क्या बोलते थे? दास, दस्यूज या फिर दास। ये जो दस्यूज या दास हैं इनको आव्रता भी बोला जाता है। आव्रत, आव्रत का मतलब क्या होता है? जो भगवान के दिए हुए उपदेशों का पालन नहीं करते, नॉट ऑबे द ऑर्डिनेंसेस ऑफ द गॉड। उसके अलावा इनको आक्रतु भी बोला जाता है। आक्रतु मतलब, आ का मतलब ना होता है, तो नहीं करने वाला। क्या नहीं करने वाला? सेक्रीफाइसेस नहीं करने वाला। जो यज्ञ वगैरह होते थे ना तो उसमें सेक्रीफाइस दी जाती थी, तो दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दी सेक्रीफाइसेस। आव्रता का मतलब जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि भले ही उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो वर्ना सिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन ट्राइबल एलिमेंट सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उसके अलावा भले ही क्लासिफिकेशन या जो डिस्टिंक्शन था, या जो क्या कहते हैं अपन एक तरीके से ऊंच नीच वाली जो बात होती है, भले ही वैसा क्लासिफिकेशन भले ही नहीं था, लेकिन हम उसको टोटली इजेलिटेरियन सोसाइटी नहीं कह सकते। इजेलिटेरियन मतलब टोटल इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग होती है कि ऊपर कोई, सबसे ऊपर लेवल पे कोई और है, फिर कोई है, तो किसी ना किसी मायने में कुछ ना कुछ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, और वो स्ट्रेटिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ लेबर या जेंडर। अगर आप मेल हो तो आपका ये दर्जा है, फीमेल हो तो ये दर्जा है, अगर आप ये काम करते हो तो आपका ये दर्जा है, अगर आप ये काम करते हो तो ये दर्जा है। तो भले ही कास्ट के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन लेबर और जेंडर के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भैया जो चार वर्ना हैं वो ऋग्वेदा में तो मेंशन है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भैया कि उस टाइम पे ये प्रेवलेंट नहीं था? देखिए, ये जो चार वर्नास हैं वो पुरुषोक्ता हिम में हैं, जो कि आपके 10th मंडल में है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि भैया कितने मंडल्स हैं ऋग्वेदा में, राइट, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जो 10th मंडल मैंने बताया था, जो फर्स्ट और 10th मंडल है वो बाद में ऐड किया गया था, लेटर एडिशन था, ठीक है ना। तो जो 10th मंडल का पुरुषोक्ता हिम है जिसमें भैया चार वर्ना का मेंशन है, ये ऐसा माना जाता है कि जब ऋग्वेदिक एज खत्म होने वाली होगी तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइन। और उसके अलावा ऐसा है कि सोशल मोबिलिटी भी थी, कि मतलब जो शूद्र है वो क्षत्रिय बन सकता है, जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बन सकता है, तो सोशल मोबिलिटी भी थी, और स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की भी नहीं थी कि भैया सिर्फ ब्राह्मण्स को ही ऊपर माना जाएगा फिर क्षत्रिय को ही माना जाएगा, तो ना ही स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन थी, और सोशल मोबिलिटी भी अलाउड थी। उसके अलावा ऋग्वेदिक सोसाइटी में अगर हम बात करें तो स्लेवरी थी,
मतलब स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट करती थी. फाइन, तो यानी हमने देखा कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है इट इज नॉट कंप्लीटली इजैलिटेरियन. देर आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वॉज देयर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. उसके अलावा सेकेंड थिंग इज कि स्लेवरी वॉज ऑल्सो एग्जिस्टेंट. और अगर हम बात करें सोसाइटी का जो स्ट्रेटिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड जेंडर. अगर हम बात करते हैं अब सोसाइटी के भी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी बात करते हैं, तो सारी जितनी भी सोशल यूनिट्स थी वो बेस्ड थी ब्रदरहुड पे. ठीक है, ब्रदरहुड यानी अभी अब हम जब सोसाइटी के और अंदर जाते हैं तो यानी जो सबसे बड़ी जो सबसे छोटी यूनिट आएगी दैट इज कॉल्ड फैमिली, जिसको हम लोग कुल बोलते हैं. कुल में यानी दैट इज भाईचारा, ब्रदरहुड वाली यूनिट की. तो फैमिली जो है जिसको कुल बोला गया है दैट इज द बेसिक सोशल यूनिट. एक फैमिली का जो हेड होता था उसको बोलते थे कुलपा. कुल, कुल का जो सबसे बड़ा इंसान है पा, पा यानी फादर, तो कुलपा. उसके अलावा उस टाइम पे ज्यादातर जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और पैट्रिलिनियल सिस्टम हुआ करता था. पैट्रिलिनियल का मतलब क्या होता है, देखिए इस टर्म का मतलब ये होता है कि जो फैमिली नेम होता है वो कैसे आगे बढ़ता है. जैसे कि दो टर्म चलते हैं, एक होता है पैट्रिलिनियल, दूसरा होता है मैट्रिलिनियल. मतलब जो आपका बेटा होगा वो किसका नाम लेगा, पापा का नाम लेगा या मम्मी का नाम लेगा, यानी जो पूरे कुल का खानदान का नाम आगे बढ़ेगा वो किसका नाम कैरी करता है. सो पैट्रिलिनियल था. उसके अलावा जो फैमिली थी दैट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुपिंग जिसको विश या क्लैन बोला जाता था, यानी एक समुदाय. जैसे एक पूरी ट्राइब हो गई उसमें बहुत सारे क्लैंस रहते होंगे और हर एक क्लैन में बहुत सारी फैमिलीज रहती होंगी. ठीक है, उसके अलावा वन और मोर देन वन क्लैंस मेड जन और ट्राइब. तो बहुत सारे क्लैन मिल गए और उनको हम लोग जन या ट्राइब बोलने लगे. जन इज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट. तो प्लीज उस टाइम का पूरा सोशल स्ट्रक्चर याद रखना कि एक हो गया जना, जना के नीचे हो जाते हैं आपके विश या क्लैन और उसके नीचे हो जाता है आपका कुल. फाइन, अगर हम ऋग्वेदा में एक और बात करें तो उस टाइम पे देर वॉज नो डिजायर, मतलब ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि भैया डॉटर्स को लेके बहुत ज्यादा डिजायर हो, जबकि बच्चों के लिए और कैटल के लिए डिजायर को बहुत ज्यादा रिकरेंट थीम दिखाया गया है. उसके अलावा सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी नेचर में. लेकिन डिस्पाइट पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है, जहां पे जो मेल जेंडर होता है, जो मेल्स होते हैं उनको ज्यादा अथॉरिटी देना, उनको ज्यादा फॉरमोस्ट पोजिशन देना. तो भले ही पैट्रियार्कल सोसाइटी थी नेचर की, लेकिन जो औरतें थी, वुमेन थी, उनको भी इंपॉर्टेंट पोजिशन दी गई थी. ठीक है, स्पेशली जो एजुकेटेड थी, और वो असेंबली को भी एक्सेस कर सकती थी. अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी उसमें तीन चार टाइप की सोसाइटीज हुआ करती थी, जैसे विदाथा, सभा, समिति, है ना. तो ये सोसाइटीज हुआ करती थी. तो उसमें क्या होता था कि जो ये जो औरतें होती थी, जो पढ़ी लिखी औरतें होती थी, भले ही सोसाइटी पैट्रियार्कल होने के बावजूद भी जो पढ़ी लिखी औरतें थी वो असेंबली का पार्ट हुआ करती थी. उसके अलावा दे कंपोज हिम्स एंड रिसीव उपनयन, मतलब जो औरतें थी वो हिम्स वगैरह भी गा सकती हैं, जो ऋग्वेदा में हिम्स है उनको गा सकती हैं, उपनयन रिसीव कर सकती हैं. उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विदाता नाम की असेंबली होती है उसकी मीटिंग्स को औरतें अटेंड कर सकती हैं. उसके अलावा जो लड़कियां होती थी वो अपने लाइफ पार्टनर को फ्रीली चूज कर सकती थी. तो ये अच्छी बात थी. मतलब ये बताया गया है कि देखो भले ही सोसाइटी पैट्रियार्कल है, भले ही डॉटर्स के लिए कोई डिजायर नहीं दिखाई गई है, लेकिन डिस्पाइट दैट जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है, डिस्पाइट दैट जो एजुकेटेड औरतें थी वो विधाता नाम की जो उस टाइम पे असेंबली होती थी उसकी मीटिंग अटेंड कर सकती हैं, हिम्स गा सकती हैं, उपनयन रिसीव कर सकती हैं और अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकती हैं. सो दिस वॉज दीज आर दी फीचर्स ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी. उसके अलावा अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ऋग्वेदिक टाइम में ना ही हमें चाइल्ड मैरिज के कोई इंस्टेंसेस मिलते हैं, ना सती के इंस्टेंसेस मिलते हैं और ना ही पर्दा सिस्टम के इंस्टेंसेस मिलते हैं. देर आर दी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ लेवीरेट. लेवीरेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर किसी भी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके भाई जो छोटा भाई है उससे शादी करना, दैट इज कॉल्ड लेवीरेट. तो फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ लेवीरेट वॉज देयर, या विडो रीमैरिज के जो हैं फीचर्स थे. तो इससे में समझ में आता है कि कितना अच्छा फीचर था. ठीक है ना,
तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिल गई। उसके अलावा जो मैरिज हुआ करती थी वो मोनोगेमस हुआ करती थी। मोनोगेमस मतलब एक ही शादी कर सकते हो। उसके अलावा लेकिन कुछ इंस्टेंसेज या कुछ रेफरेंसेज हैं जहां पे पॉलीगाइनी या पॉलीएंड्री के एविडेंसेस या मेंशन मिलते हैं हमें ऋग्वेदा में। पॉलीगाइनी का मतलब बहुत सारी लड़कियों से शादी कर लेना, एक आदमी तीन चार लड़कियों से शादी कर रहा है, दैट इज पॉलीगाइनी। और पॉलीएंड्री का मतलब एक औरत बहुत सारे लड़कों से शादी कर लेती है, सो दैट इज पॉलीएंड्री। नाउ अगर हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जस्टिस की। तो ऐसा मतलब ऋग्वेदा को अगर हम पढ़ते हैं और जानते हैं तो देखते हैं कि उस टाइम पे जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए कोई ऑफिसर का मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर का मेंशन नहीं है तो इससे तो मैं ये समझ में आता है कि भैया उस टाइम पे क्राइम तो होता ही नहीं होगा, राइट? जीरो क्राइम, तभी तो शायद कोई ऑफिसर का मेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी दैट वाज नॉट एन आइडियल सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो आइडियल सोसाइटी, वहां पे भी थेफ्ट या बर्गलरी यानी चोरी चकारी के केसेस देखे गए हैं। मिलिट्री टेक्निक भी जो है वॉज मच एडवांस एज दे पजेस्ड चैरियट्स ड्रबन बाय हॉर्सेस। तो मिलिट्री टेक्निक भी थी। उसके अलावा आर्यंस के बीच में, आर्यंस जो हैं वो दो टाइप के बैटल्स में इंगेज हुआ करते थे। एक तो प्री आर्यंस के साथ जो दास या दस्यूस जिनको बोला गया है, दूसरा जो ट्राइब्स हैं जन्स हैं उनके बीच में ही लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, तो जैसे कि एक बैटल है जिस जो मेंशन है, जो भारता किंग थे देवोदास और दासा रूलर सांभर उनके बीच में, ठीक है। और दूसरा जो बैटल, जो दसराज बैटल ऑफ टेन किंग्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये बैटल ऑफ टेन किंग्स है, ये जो भरता है, भरता किंग है जो देवोदास, इनका ग्रैंड सन यानी पोता हुआ करता था, ठीक है। तो उसके बीच में जिसका नाम है भारता चीफ सुदा, सुदा कौन थे? देवोदास के ही पोते थे। और 10 ट्राइब थी दूसरी तरफ। स्टार्टिंग में 5 ट्राइब थी जिनको पंचजना बोला गया, जो कौन कौन सी है? यदु, तुर्वशा, पुरु, अनु एंड धुरयु, ठीक है। तो ये इन ट्राइब्स के बीच में ये बैटल हुआ था, ये याद रखना। तो यानी इस पैराग्राफ में हम लोगों ने ये देख लिया कि भैया जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑफिसर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक सोसाइटी आइडियल सोसाइटी हो। थेफ्ट और बर्गलरी उस टाइम पे प्रेजेंट थी। मिलिट्री टेक्निक जो है वो काफ़ी एडवांस्ड उनके पास थी, क्योंकि उनके पास ऐसे घोड़े या रथ थे जो घोड़े द्वारा चलाए जाते थे। दो टाइप के बैटल हुआ करते थे, प्री आर्यंस और अमंगस देमसेल्फ। उसके अलावा अगर हम ऋग्वेदिक सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज की बात करें तो प्रीस्ट हुआ करता था जिसको पुरोहित बोलते हैं, आर्मी का लीडर हुआ करता था जिसको सेनानी बोलते हैं, और गांव का लीडर हुआ करता था जिसको ग्रामीणी बोलते हैं। उसके अलावा अगर उस ट्राइबल असेंबलीज की बात करें तो सभा हुआ करती थी जो कि एक स्मॉलर बॉडी है जिसमें सिर्फ एलाइट लोग आते थे, यानी सारे पुरोहित हो गए, राजन हो गए जिसको गुप्ती बोलते हैं, सेनानी हो गए, ग्रामीणी हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग आते थे। अगर समिति की बात करें तो इट इज लाइक ग्राम सभा आज की, तो ब्रॉड बेस्ड फोक असेंबली जो कि राजन द्वारा प्रिसाइड की जाती थी, राजन यानी गोपति, याद है ना। उसके अलावा विधाता जिसमें औरतें अलाउड थी, तो ट्राइबल असेंबली विथ डाइवर्स फंक्शन, और गन दैट इज असेंबली और ट्रू। तो इन सारे टर्म्सों को याद रखना, सभा, समिति, विधाता एंड गण। अब हम अगर ऋग्वेदिक इकोनॉमी की बात करें तो ऋग्वेदिक जो सोसाइटी थी वो पेस्टोरल सोसाइटी थी, मतलब जो चरवाहा जिनको नहीं बोलते हैं, जो गाय वगैरह भैंस वगैरह को चरा के अपना काम चलाते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जैसे देख रहे हो पेस्टोरल है, जबकि अर्ली वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, सॉरी लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे तो देखोगे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएंगे, वो एग्रीकल्चर करने लगते हैं। जबकि ऋग्वेदिक सोसाइटी में क्या है, पेस्टोरल सोसाइटी है, कैटल रियरिंग मेन उनका काम होता था। यानी उनकी जो अमीरी को हम अगर काउंट करें तो किसके पास कितनी कैटल्स हैं उस बेसिस पे हम उनको अमीर या गरीब कहते थे। जो वहां पे वेल्दी मैन होता था उसको हम लोग बोलते थे गोमत, प्लीज याद रखना। अमीर इंसान को क्या बोलते थे? गोमत, जिसके पास बहुत सारी कैटल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर ड्राइव फ्रॉम दी वर्ड गौ, जैसे गोपती देख लिया हम लोगों ने, हैं गवाशना जो लड़ाइयों को बोलते थे हम लोग, गोमत देख लिया, तो बस एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर हम ट्रेड और कॉमर्स के एविडेंस की बात करें कि भैया इकोनॉमी में ट्रेड या कॉमर्स होता था, तो उसके एविडेंसेस बहुत कम है, मीगर, बहुत कम है। एंड देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कोई कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन दी लैंड ओनरशिप, जैसे आज होता है ना कि आपके पास कितनी जमीन है, तो उस जमीन टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम बात करें जो रिसोर्सेस हुआ करते थे तो वो पूरे ओन किए जाते थे समुदाय के द्वारा, क्लैन के द्वारा।
ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो पूरी एक क्लैन की होती थी। अगर हम बात करें करेंसी, तो करेंसी की यूनिट उस टाइम पे हुआ करती थी निश्क, NISKH, निश्का, ठीक है। तो ये करेंसी की यूनिट है जो कि किसके बनी हुई होती थी, गोल्ड की। उसके अलावा बार्टर सिस्टम था कि आलू के बदले में टमाटर ले लो, तो यानी बार्टर सिस्टम था। उसके अलावा जो काउ है उस वो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू, मतलब वो भी एक तरीके से आप करेंसी या मीन्स ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, ठीक है। और जो किंगडम था, यानी जो हम पूरे जन की बात कर रहे हैं, उसमें जो अगर पूरा उसका कामकाज चलाना है तो उसके लिए जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो बाकी के लोग बाग हुआ करते थे, वो वॉलेंट्री ट्रिब्यूट देते थे, जिसको बोला जाता है बाली। बाली क्या चीज है? इट इज काइंड ऑफ अ वॉलेंट्री ट्रिब्यूट, यानी डोनेशन समझ लो आप एक, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ से आते थे? फिर अगर अगर हम बात करें जो राजा है वो, उसको अगर कामकाज करवाना है तो और कहाँ से पैसे आते थे? एक तो डोनेशन से आ गए, और दूसरे बाउंटी, अगर वो लड़ाइयाँ करता था तो उसमें जो वो जीतता था उसके थ्रू। तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली इकोनॉमी में? इकोनॉमी में बात की पेस्टोरल सोसाइटी हो गई, उसके बाद कैटल रियरिंग उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था। उसके अलावा जो जिसके पास बहुत ज़्यादा गाय हैं उसको गोमत बोलते थे। ट्रेड और कॉमर्स के बहुत ज़्यादा हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंट में नहीं थी। उसके अलावा जो रिसोर्सेज होते थे वो ओन किए जाते थे क्लैन के द्वारा, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, करेंसी जो थी वो निस्का थी। उसके अलावा जो काउ है वो भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एक्सचेंज मानी जाती थी। कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, कमाई का कोई जरिया नहीं था। अगर हम बात करें कि उस टाइम पे कैसे लालन पालन चलता था सोसाइटी का, तो या तो बाली यानी जो वॉलेंट्री डोनेशंस होते हैं, या फिर जो बाउंटीज बैटल में जीती जाती थी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ एविडेंसेस हमें गिफ्ट एक्सचेंज और रीडिस्ट्रीब्यूशन के भी मिलते हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी में, ठीक है। उन एक्सचेंजेस को बोलते थे प्री स्टेशंस। प्री स्टेशंस वर डन नॉट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बट एट दी ग्रुप लेवल, ठीक है। तो उसके अलावा जो प्रीस्ट वगैरह होते थे उनको दान दक्षिणा वगैरह मिलती रहती थी रिचुअलिस्टिक सर्विसेज के लिए, जो वो यज्ञ वगैरह करवाते थे ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। क्या किया जाता था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसके बारे में पता होगा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके अलावा फायर जो है, अच्छा इसमें तरीका बताया है कि कैसे की जाती थी, यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना सेमी नोमेडिक। सेमी नोमेडिक यानी अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि किसी जगह पे कुछ टाइम तक वहां पे एग्रीकल्चर किया और फिर शिफ्ट कर गए। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी ये लोग क्या करते थे? फायर का इस्तेमाल करते थे। मतलब जैसे जो भी जगह पे इन लोगों ने खेती बाड़ी की और फिर उसमें जब इनको लगा कि उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है तो उसमें आग लगा देते थे और फिर मूव कर जाते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉप की, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप का मेंशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड यवा या फिर बार्ले। बार्ले का ही सिर्फ मेंशन मिलता है, उसके अलावा और किसी का नहीं मिलता है। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे उनको वुडन प्लाव के बारे में पता था। वुडन प्लाव को उस टाइम पे फल, लांगला या सीधा बोला जाता था। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए वो किसी गॉड को इन्वोक करते थे, तो वो गॉड का नाम था इंदिरा। अगेन इंदिरा का ही वो इन्वोक करते थे जब वो लोग पन्नी पन्नी यानी जो उनके दुश्मन थे, जो गऊ को छुपा देते थे, काऊ को छुपा देते थे उनसे लड़ते वक्त। और अगर हम बात करें उनके इस टाइम पे अगर एग्रीकल्चर के लिए किस गॉड को बोलो इन्वोक किया जाता था, आह्वान किया जाता था, तो वो है इंदिरा, जिनको उर्वरजीत भी बोला जाता है, यानी विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। क्या बोला जाता था? यू आर उर्वरजीत, उर्वरजीत, ठीक है। तो URVARAJIT, उर्वरजीत, बैटल ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। उसके अलावा क्षेत्रपति, ये दूसरे भगवान है क्षेत्रपति, जिनको हम लोग मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स को गार्ड, मतलब गार्ड करते हैं, गार्जियन डाइटी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। उसके अलावा उस टाइम पे आयरन टेक्नोलॉजी नहीं थी, आयरन टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस वो कॉपर से फेमिलियर थे, ठीक है, कॉपर से फेमिलियर थे। और कुछ मेटलर्जिकल एक्टिविटीज़ के भी थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं। और अगर हम बात करें और क्या क्राफ्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, क्या क्या काम हुआ करते थे, तो जैसे कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, सूइंग, वीविंग, ये सारी चीज़ें। पास टाइम के लिए वो लोग क्या करते थे? चैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग। अब अगर हम ऋग्वेदिक रिलीजन की बात करें, तो उस टाइम पे हमें कोई भी ऐसे अर्ली वैदिक एज में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता कि भैया कोई टेम्पल बनाए गए हों या फिर कोई मूर्ति की पूजा की जाती हो, क्योंकि कोई मूर्तियां भी नहीं मिलती हमें। तो यानी ना ही टेम्पल थे ना ही आइडल वर्शिप थी।
लेकिन जो उस टाइम के हमें देख के मिल पता चलता है कि वहां पे नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म थी। नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो आप नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते हो, जैसे पेड़ पौधे, बारिश, सूरज, है ना, तो इनकी पूजा करने को नेचुरलिस्टिक बोलते हैं। पॉलीथीज्म मतलब जैसे बहुत सारी अलग अलग चीजें, धरती माता हो गई, फिर उसके बाद आपका सूरज भगवान हो गए, तो जैसे आप अगर बहुत सारे भगवानों को मानते हो, दैट इज कॉल्ड पॉली, यानी मैनी थीज, मैनी मैनी गॉड, तो वो नेचुरलिस्टिक फोर्सेस को की पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस को वो पूजा करते थे, जैसे विंड, रेन, वाटर, थंडर। उसके अलावा वेरी फ्यू टेम्पल डिवाइनिटीज वर वेनेरेटेड, मतलब जो मंदिरों में जो वो होते हैं ना, उनकी बहुत ही कम मेंशंस है। उसके अलावा जो ओपन एयर में वो लोग यज्ञ वगैरह करते थे, ठीक है, वर्शिप करने के लिए। वैदिक टेक्स्ट में मीट ईटिंग का बहुत ज़्यादा में रेफरेंस मिलता है, ठीक है, और वो एक तरीके से बहुत सारी एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी देते थे, एक्सेप्ट काउ, ठीक है, काउ को मारना या काउ की का सेक्रीफाइस देना अघन्य पाप माना जाता था, बहुत बुरा पाप। उसके अलावा पिक्यूलियर केसेस ऑफ हेनोथीज्म और कैथिनोथीज्म, इसका टर्म बता देता हूँ, ये क्या होता है, कैथिनोथीज्म या हेनोथीज्म, इसका मतलब क्या होता है कि देखो, ये एक फिलॉसफी होती है जिसका मानना होता है कि भैया बहुत सारे गॉड हैं, बट लेकिन किसी एक, मतलब बाकी सारे गॉड के एग्जिस्टेंस को आप मानते हो, लेकिन किसी एक गॉड की ही पूजा कर रहे हो, एक किसी एक गॉड को ही सुप्रीम मान रहे हो, वन गॉड एट अ टाइम, ठीक है ना। थोड़े जो हेनोथीज्म है या कैथिनोथीज्म है, दोनों में जो बेस लाइन है कि आप सारे बाकी सारे गॉडों को मानते हो, लेकिन यू आर सेलिब्रेटिंग और यू आर वर्शिपिंग वन गॉड एट अ टाइम। तो यहाँ पे वेरिन दी डाइटी बींग इन्वोक्ड इन अ पर्टिकुलर हिम इज कंसिडर्ड दी सुप्रीम गॉड, जैसे पन्नियों के टाइम पे, जैसे हमने देखा जब उनकी पन्नियों से लड़ाई होती थी तो वो इंदिरा को बुलाते थे, एग्रीकल्चर के लिए इंदिरा को बुला रहे हैं, क्षेत्रपति को बुला रहे हैं, तो पर्टिकुलर हिम हुआ करती थी पर्टिकुलर गॉड के लिए, और उसको पर्टिकुलर चीज का गार्जियन माना जाता था। अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीपल किन किन देवताओं को मानते थे, तो जैसे कि सबसे ज्यादा, सबसे सुप्रीम माना जाता था इंदिरा को, ग्रेटेस्ट गॉड इंदिरा, 250 हिम्स हैं। इनको पुरंदर बोला गया है, पुरंदर यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, मघवान बोला गया है यानी बाउंटियस, एंड वृत्थान माना गया है यानी स्लेयर ऑफ वृत यानी कियोस। तो ये टर्म्स याद रखना, ये किस गॉड के लिए बोले गए हैं, एक बार लिख देता हूं, पुरंदर, पुरंदर, मघवान एंड वृत, वृत्रहन। तो इंदिरा हो गए, जब हम लेटर वेदिक एज की बात करेंगे तो इंदिरा की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा अग्नि, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है, और देखिए किसी भी गॉड की इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी कि ऋग्वेदा में उस पर्टिकुलर गॉड के लिए कितनी हिम्स मेंशन है। तो जैसे अग्नि के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनको गॉड ऑफ फायर माना गया है, 200 हिम्स है। इनको सन ऑफ अर्थ एंड हेवन माना गया है, ये भगवान और इंसानों के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं। वरुण, वरुण जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है, कौन से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं, और इनको गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर माना गया है, लुक्ड आफ्टर रीत और द कॉस्मिक ऑर्डर एंड द हाईएस्ट एट ऑल ऋग्वेदिक गॉड, एथिकली ये हाईएस्ट हैं सारे ऋग्वेदिक गॉड में। नेक्स्ट गॉड है सोम, ये गॉड ऑफ प्लांट्स हैं, किंग ऑफ गॉड्स हैं, स्पेशल गॉड ऑफ द ब्रह्मनास, इनके लिए 11वें मंडल में इनके लिए सारी जो हिम्स हैं इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हैं। आर्यंस न्यू हिमालय, जिसको मुंजावत पर्वत भी बोलते हैं, एज द सोर्स ऑफ सोमा प्लांट, ठीक है। यम है, ये लॉर्ड ऑफ डेथ हैं, रुद्र हैं, ये मोरल आर्चर गॉड हैं, लिव्ड इन माउंटेन्स एंड द गार्जियन ऑफ हीलिंग हर्ब्स। पुषाण है गॉड ऑफ जंगल पाथ्स, हर्ड्समैन एंड कैटल। सूर्य, सूर्य ये जो हैं ये डार्कनेस को दूर भगाते हैं, लाइट लेके आते हैं। सावित्री, ये सोलर डाइटी हैं, टू हुम दी फेमस गायत्री मंत्र इज एट्रीब्यूटेड इन दी थर्ड मंडल। तो गायत्री मंत्र किस मंडल में, थर्ड मंडल में। टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेदा में, जिसमें से थर्ड मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र है। अदिति, ये गॉडेस ऑफ इटर्निटी एंड मदर ऑफ गॉड्स हैं। तो जो ऊपर वाले थे वही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो फिर ठीक है। पृथ्वी अर्थ गॉडेस हैं, विष्णु, मरुतास, मरुतास ये है सन ऑफ रुद्र हु पर्सोनिफाइड स्टॉर्म्स। वायु, गॉड ऑफ विंड, अश्विन्स, ट्विन गॉड्स ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन, इनके लिए इज मेंशन अराउंड 300 टाइम्स इन द ऋग्वेदा हिम्स। सिनेवली, बेस्टोस चिंडलन। फिर कुछ डेमी गॉड्स हैं, दैट इज गंधर्व, जिनको डिवाइन म्यूजिशियन माना गया है, अप्सराज जो की मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स हैं,
विश्वदेव्स इंटरमीडिएट डाइटीज हैं एंड आर्यमान दैट इज गार्जियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड मैरिजेस। कुछ ऋग्वेदिक एज में कुछ टर्म्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि गोधूली समगवा, गोधूली समगवा, ठीक है, दैट इज मेजर ऑफ टाइम, गव्युति मेजर ऑफ डिस्टेंस, दुहित्री डॉटर ऑफ मिल्क काउस, डॉटर हु मिल्क काउस, दुहित्री गोत्र यानी किनसेप यूनिट, विश विश तो हम देख चुके हैं दैट इज कॉल्ड क्लैन, गन गन हम जान चुके हैं दैट इज लीनिएज, ग्राम दैट इज विलेज, गौरी और ग्वाला दैट इज बफेलो, गोजीत दैट इज विनर ऑफ काउस, गोजीत इज विनर ऑफ काउस, बाप टू शो, श्रेणी सिक्कल को श्रेणी बोलते थे, क्षेत्र को कल्टिवेटेड फील्ड्स बोलते थे, उर्वर को फर्टाइल फील्ड्स बोलते थे, धान्य सीरियल्स बोलते थे, सॉरी धान्य धान्य, एंड दैट घृता दैट इज बटर, सोम दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, एंड गोगना दैट इज गेस्ट। फाइन, तो ये इन टर्म्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो ये गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, विश इंपॉर्टेंट है, गण इंपॉर्टेंट है, ग्राम है, ग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट हो गए आपके। उसके बाद गोजित याद रखना, उर्वर क्षेत्र याद रखना, धान्य याद रखना, सोमा या सूरा याद रखना दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। तो ये सारे जो है वो आपका अर्ली वेदिक एज का हमने रिलीजन भी देख लिया। अब थोड़ा सा क्विकली हम लोग लेटर वेदिक एज के बारे में पढ़ लेंगे, सो दैट ये भी हमारा समाप्त हो जाए, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। चलिए लेटर वेदिक कल्चर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, अदरवाइज लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाएगी और मैं भी आपको फिर काफी जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। इसी को ही आप बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना और याद करना। फाइन, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज़्यादा अच्छा और उमदा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street01990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानियां।